तो फ्रेंड्स नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में संख्या पद्धति अर्थात नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो नंबर सिस्टम में प्राकृतिक संख्या क्या है, तो एक से लेकर के अनंत तक जितनी संख्याएं होती हैं उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे एक दो तीन डॉट डॉट नौ डॉट डॉट अनंत, माने अनंत तक जितनी भी संख्याएं होती हैं उन सबको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो हमने प्राकृतिक संख्याओं के एक समूह ले लिया। मैंने इसमें एक एक पॉट ले लिया, उस पॉट में सारे प्राकृतिक संख्याओं को लिख दिया, एक से लेकर के जितनी भी संख्याएं हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या का समूह हो गया। प्राकृतिक संख्याओं के समूह अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो पूर्ण संख्या हो जाता है। तो देख रहे हैं जीरो अगर ऐड कर दिए तो जीरो एक दो तीन चार, इस तरह से जितनी भी संख्याएं हैं सब मिला करके ये पूर्ण संख्या हो गई। तो पूर्ण संख्या को हम होल नंबर कहते हैं और पूर्ण संख्या को हम W से हम इसको व्यक्त करते हैं, और प्राकृतिक संख्या को N से नेचुरल नंबर को हम N से करते हैं। अब देखिए हमने क्या किया, अगर इन्हीं संख्याओं के साथ हम कुछ और संख्या ऐड कर दें, जैसे अगर इसी में हम अगर हम इसमें कुछ इस तरह की संख्याएं जोड़ दें, जैसे -5 जोड़ दें या -10 जोड़ दें, माने ऋणात्मक संख्या इसमें 101 जोड़ दें, इस तरह से कुछ भी संख्या अगर हम इसमें और जोड़ देते हैं, -1 जोड़ दें, -10 जोड़ दें या 11 जोड़ दें, कुछ इस तरह से अगर हम इसमें जोड़ दे रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, अब यह तब यह हो जाएगा, ये हो गया इंटीजर, माने पूर्णांक हो गया। तो पूर्णांक इसका मतलब हो गया। अब हमने क्या किया, अब देख रहे हैं आप कि इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बहुत संख्या है, और इसी में ऋण 5, ऋण 10, ऋण 100, ऋण 1000, ऋण 1, ऋण 9 और 405, 709 बहुत संख्याएं हो गई। हमने इन संख्याओं को एक साथ एक पैकेट में कर दिया तो ये सब क्या हो गया, अब ये पूर्णांक संख्या हो गई। तो आपने क्या देखा, आपने देखा यह कि प्राकृतिक संख्याओं में अगर हमने प्लस जोड़ दिया तो पूर्ण संख्या हो गई। पूर्ण संख्या में हमने क्या किया, ऋणात्मक संख्याओं को ऐड कर लिया, मैंने इनके साथ ऋणात्मक संख्याएं भी ले लिया, तब ये पूर्णांक हो गया। पूर्णांक में तो पूर्णांक हो गए, एक को कहते हैं धन पूर्णांक और एक को कहते हैं ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक को हम आई प्लस लिखते हैं, तो आई प्लस जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 मान लीजिए जो भी संख्याएं होती हैं वो धनात्मक पूर्णांक संख्या के अंतर्गत आती हैं, और जो संख्या ऋणात्मक होती है उन्हें हम ऋण पूर्णांक कहते हैं, और उसको हम आई माइनस के द्वारा व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से आपने क्या देखा, आपने देखा कि जब होल नंबर में माने पूर्ण संख्या में आपने माइनस संख्याओं को ऐड कर लिया तभी क्या हो गए, ये सब मिला करके पूर्णांक हो गए। अब देखिए हमने क्या किया, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या को मिलाया तो पूर्णांक हो गया। पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या लिए पूर्णांक हो गया। पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम इंटीजर्स कहते हैं, यानी पूर्णांक, देखिए धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक। अब इन सारी संख्याओं अगर इसी में हम अगर हम इसमें कोई इस तरह की संख्या ले लें, जैसे 1/2 ले लें, 3/5 ले लें या 2/11 ले लें, माने इसमें हम क्या करें, इसमें हम अगर ऐड कर देते हैं
इन संख्याओं को जो भिन्नात्मक संख्याएं हैं, तो भिन्नात्मक संख्याएं और पूर्णांक संख्या, तब ये मिला करके क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है जिसे हम कहते हैं परिमेय संख्या। तो क्या हो गया, ये सारी संख्याओं को मिला करके जो हमें समूह मिलता है वह हो गया परिमेय संख्या। तो आपने देखा कि परिमेय संख्या में सारे धनात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक क्या क्या गए, माने धनात्मक और ऋणात्मक और भिन्नात्मक, ये सारी संख्याएं मिलकर के क्या हो गई, इसी को हम कहें परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आपने क्या देखा, परिमेय संख्या जैसे जीरो हो गया और एक हो गया, दो हो गया, पाँच हो गया, नौ हो गया, ग्यारह हो गया, सत्रह हो गया, उन्नीस हो गया, ऋण एक बटा तीन हो गया, ऋण तीन बटा पाँच हो गया, ऋण ग्यारह हो गया, ऋण तेरह हो गया, माने कोई भी संख्या आप ले रहे हैं, जीरो बटा एक हो गया, पाँच बटा एक हो गया, एक बटा सात हो गया, तो ये सब सारी संख्या क्या हो रही हैं, इन सारी संख्याओं को हम कहेंगे ये क्या हो गए, इन्हीं जब आपने क्या किया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर तीनों को मिला दिया तो ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या आप जानते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिन संख्याओं को हम पी बटे क्यू के रूप में लिखते हैं, लेकिन क्यू का मान जीरो न हो, यह याद रहना चाहिए, ध्यान रहना चाहिए, क्यू का मान जीरो न हो। अगर क्यू का मान जीरो होगा तो परिमेय संख्या नहीं होगा। तो आपने देखा इसमें क्या, इस समूह में आप देख रहे हैं, ये समूह में सारी संख्याएं हो गई, प्राकृतिक भी है, मैंने पूरा एक इसमें प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्याएं मिल करके सबको ये हो गया परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसको कहते हैं रेशनल नंबर, ये हो गया रेशनल नंबर। अभी नहीं रेशनल नंबर, अभी इसमें देखिए जैसे परिमेय संख्या है, क्या इन संख्याओं के बाद ये संख्या पूरी हो गई, अभी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एक दो परिमेय संख्याओं के बीच में असंख्य परिमेय संख्याएं होती हैं, और इन्हीं असंख्य परिमेय संख्याओं क्या अब इन असंख्य परिमेय संख्याओं के साथ ये सभी संख्याएं पूर्ण हो गई, अभी पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि इसमें अभी अपरिमेय संख्याएं भी बाकी हैं। तो अपरिमेय संख्या हम किसको कहते हैं, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जो कि पी बटा क्यू के रूप में न लिखी जाए, तो हम उसको कहते हैं अपरिमेय संख्या। जैसे देखिए अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, जितने भी कैड़ी की राशियां हैं जिनका वर्गमूल नहीं हो पाता, जैसे कैड़ी में दो, कैड़ी में तीन, कैड़ी में पाँच, कैड़ी में ग्यारह, अगर कैड़ी में सत्रह, इस तरह की और पाई और कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं जो अनावसानी होती हैं, जैसे जीरो दशमलव एक जीरो एक जीरो जीरो एक जीरो जीरो, ये अनावसानी संख्याएं हैं। अगर इन सारी संख्याओं को हम इसके साथ प्लस कर देते हैं, अगर इन सारी संख्याओं को हम इनके साथ प्लस कर देते हैं, तब यही क्या हो जाता है, तब ये हो जाता है रियल नंबर, जिसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्या में क्या किया गया, अब आप देखिए जीरो एक दो तीन, ये तो मैंने पूर्ण संख्या हो गई, पूर्ण संख्या के साथ साथ इसमें देखिए पूर्ण संख्या हो गई और प्राकृतिक संख्या इस तरह से, और
पूर्णांक संख्या जैसे -3, -5, -8, -7 और -3/5, -1/8, 11/9 इस तरह से। और इसी में अब परिमेय संख्याएं भी लगा देते हैं, जैसे हो गया करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 17 हो गया, और कोई अनावसानी संख्याएं भी हो गई इसी में, जैसे देख रहे हैं कि 1 0 1 0 0 1 0 0 इस तरह से ये अनावसानी संख्या हो गई। तो इन सारे समूहों को जब मिला गया तो इसी को हम कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो आपने संख्याओं का देखा कि सारी संख्याएं कब वास्तविक संख्याएं हैं, जब इसमें देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या। सारी संख्याएं जब मिल जाती हैं तो जब मिला करके जो उनका समूह बनता है उसी को हम कहते हैं एक रियल नंबर, माने इसी को हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं। तो आपने संख्याओं का एक समूह देखा जिसमें कि सारी संख्याएं एक साथ आ गई, तो नेचुरल, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्या और वास्तविक संख्या। तो इस तरह आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।